अहम ब्रह्मास्मि नाम की इस किताब में लिखी हुई एक कहावत आपको पढ़ के बताऊंगा कि जिस कुएं से लोग हमेशा पानी पीते हैं उस कुएं का पानी कभी नहीं सूखता, ऐसा मदर नेचर का रूल है, ऐसा इस प्रकृति माता का नियम है। और आपने ज़िंदगी में देखा भी होगा कि जहाँ से सब पानी पीते उस कुएं का पानी कभी नहीं सूखता। तो इसीलिए आपसे जितना बन पड़ता है लोगों की मदद कीजिए, उनके लिए कुछ कर दीजिए, कुछ खिला दीजिए, कुछ पहना दीजिए, और कुछ ना हो सको तो कुछ अच्छा बोल दीजिए। कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम एक अच्छी बात तो बोल सकते हो कि भाई आज आप कितने अच्छे लग रहे हो, आप कितने सेहतमंद लग रहे हो, भैया जी गुड मॉर्निंग। कुछ नहीं तो एक स्माइल दे सकते हो उन्हें। देना सीखे कभी आपके लिए ख़त्म नहीं होगा। नमस्ते है जी, मैं हूँ मयंक दरेवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों हम यहाँ बातें करते हैं रिलेशनशिप इश्यूज, बिहेवियर साइकोलॉजी और हीलिंग साइंस के बारे में, जिन्हें सीखकर आप अपनी पर्सनल और सोशल लाइफ में ग्रो करते हैं, वो भी हैप्पी वाले अंदाज में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक फॉर्मर मॉन्क हूँ, मैं एक बौद्ध भिक्षु रह चुका हूँ, और बौद्ध भिक्षु रहते हुए बहुत सारी कहानियाँ भगवान बुद्ध के समय की हमें सुनाई गई थी, जिनमें से एक कहानी मैं आप लोगों को आज ज़रूर सुनाऊंगा, जिससे आप ये अपने अंदर तय कर पाएंगे कि कैसे अपने मन को शांत किया जाए, कैसे सही टाइम पे कैसा सही डिसीज़न लिया जाए। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे, गांव से गांव, शहर से शहर, वो ज्ञान बांटने के लिए और भिक्षा प्राप्ति के लिए उस टाइम वो घूमा करते थे। सुबह से निकले थे, घूमते घूमते काफ़ी समय हो चुका था, एक बरगद के पेड़ के नीचे वो सारे जाकर बैठे अपने शिष्यों के साथ। भगवान बुद्ध ने कहा अपने एक शिष्य को कि भाई जाओ इस बरगद के पेड़ की दो परिक्रमा करके आओ। एक शिष्य उठा और परिक्रमा करके आया। फिर भगवान बुद्ध ने पूछा कि भाई ये बताओ किसी तरह से ठंडी हवा आ रही थी क्या? शिष्य ने कहा हाँ उत्तर दिशा से आ रही थी। प्रभु ने कहा कि जाओ उस तरफ पानी का कोई ना कोई स्रोत होगा, वहाँ से पानी लेकर आ जाना, एक बर्तन लेकर भी चले जाओ। शिष्य चला गया और चलते 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 वहाँ गया। वहाँ जाकर वो क्या देखता है कि एक पानी का तालाब तो है, लेकिन लोग यहाँ नहा रहे हैं, अपनी भैंसे धो रहे हैं, अपने कपड़े धो रहे हैं, पूरी तरह से गंदगी मचा रखी है, पूरी तरह से गंद मचा रखी है। शिष्य को बड़ा गुस्सा आया कि ये क्या है यार, कि ये लोग ये पीने के पानी में तुम ऐसा कर रहे हो, तो लोग पानी कैसे पियेंगे? मेरे गुरु वहाँ परेशान है, वहाँ प्यासे बैठे हुए, मैं उनके लिए पानी कैसे लेके आऊँगा? वो बहुत गुस्सा हुआ, उनके अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन आया। लेकिन क्योंकि गुरुओं ने सिखाया है कि गुस्सा नहीं करना है, छेड़छाड़ाना नहीं है, इसलिए उन्होंने किसी को कुछ भी नहीं कहा, अपना बर्तन पकड़े और वापस आ गए। फिर वो भगवान बुद्ध के पास पहुँचे। भगवान बुद्ध ने पूछा क्या हुआ भाई, चेहरा क्यों लटका हुआ है तुम्हारा? तो उस शिष्य ने कहा कि प्रभु ऐसी ऐसी बात है, और ये शुरू करते हुए उसने अपना सारा फ्रस्ट्रेशन वहाँ निकाल दिया, अपना सारा कूड़न सारा गुस्सा निकाल दिया, क्योंकि अंदर तो भरा हुआ था ना। प्रभु ने शांति से सारी बातें सुनी और कहा कोई बात नहीं बैठ जाओ। अब शिष्य को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि प्रभु प्यासे हैं, सारे शिष्य प्यासे हैं और हमारे भगवान जी भी प्यासे हैं। फिर एक डेढ़ घंटे वो लोगों ने अपनी चर्चा परिचर्चा करी, सत्संग करा, और उसके बाद भगवान बुद्ध ने कहा उसी शिष्य को कि भाई अब उठो, फिर से उसी तालाब जाना और पानी लेकर आना। शिष्य को फिर बड़ा बुरा लगा कि ये क्या नाटक है यार, कि वो लोग, मैंने बताया कि वहाँ इतनी प्रॉब्लम है, वहाँ इतनी गंदगी मची हुई, और आप फिर मुझे भेज रहे हो। लेकिन वो सोचा चलो गुरु का आदेश है, टालते नहीं है, गुरु बोल रहे तो सही ही बोल रहे होंगे, तो वो चले गया। वहाँ जाके देखा तो वो हैरान हो गया, कैसे पानी बिल्कुल स्वच्छ, बिल्कुल साफ, बिल्कुल क्लीन, पीने योग्य। वो सोचा अरे ये कैसे हुआ, और यहाँ तो कोई लोग भी नहीं है, ये तो पक्का हमारे गुरु जी का ही चमत्कार है, ये तो प्रभा पक्का हमारे भगवान जी का ही चमत्कार है। वो पानी लेके दौड़ा दौड़ाया खुशी के मारे और बोला प्रभु आपने तो बड़ा चमत्कार कर दिया, आपने तो बड़ी कृपा कर दी, पानी साफ हो गया और वहाँ कोई भी नहीं था, सारे लोगों को आपने भगा दिया। भगवान जी ने कहा पुत्र मैंने किसी को नहीं भगाया, ना ही पानी मैंने साफ किया, वो पानी पहले से ही स्वच्छ था, वहाँ लोगों के इस्तेमाल की वजह से गंदगी हो गई थी, सारा मैला ऊपर आ गया था, और कुछ देर के ही आराम से, कुछ देर के ही शांति से सारा कचरा नीचे बैठ गया और पानी स्वच्छ हो गया। शिष्य समझ गया कि उसने क्या गलती की थी, और बाकी सब शिष्य भी समझ गया। और इसी के साथ भगवान बुद्ध ने इस जीवन की एक अभूतपूर्व ज्ञान हम सबको दिया कि जीवन में कभी भी खराब समय है, कभी भी खराब माहौल है,
कभी भी खराब इवेंट आए तो शांत रहना है, अपने आप को शांत रखना है किसी भी तरीके से, चाहे सांसों में फोकस करके, चाहे अपने आप को कोई दूसरी बात बता के, कोई और स्क्रिप्टिंग करके, कोई और कहानी सुना के अपने आप को शांत करना है। कैसे भी करके उस समय को टाल देना है। अगर वो समय आपने टालने में सक्षम रहे तो आप एक सिग्मा मेल या सिग्मा फीमेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। जी हाँ, अभी सिग्मा मेल सिग्मा फीमेल इसलिए कहा है क्योंकि इस पर भी हम आगे आने वाले समय में टॉपिक को कवर करने वाले हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से हम ये बताएंगे कि सिग्मा मेल की एक्चुअल क्वालिटीज़ क्या होती है और अल्फा मेल कहाँ कहाँ पर रूड हो जाता है। कभी भी ये 5 नेगेटिव इमोशंस अगर आपको परेशान करते हैं, जो कि है ग्रीफ, एंगर, हेट्रेड, जेलेसी, रिग्रेट, तो अपने आप को उस टाइम के लिए शांत करना है और अपने आप से सिर्फ इतना कहना है कि भाई अभी रुक जा, शाम को कर लेंगे या कल कर लेंगे, इसका जो भी फैसला है, जो भी हिसाब किताब है, कल कर लेंगे। और ऐसा करते ही आपके मन को ये आश्वासन मिल जाएगा कि उसको एक्शन लेने का मौका मिलेगा और फिर आपके मन को ये सोचने का टाइम भी मिलेगा कि गलती किसकी थी, कहीं गलती आपकी ही तो नहीं, और इस तरह से सही सॉल्यूशन आप निकाल पाओगे। अदरवाइज़ गुस्से में आकर के कुछ भी आप कर दोगे और हालात आपके हाथों से निकल जाएंगे। तो भगवान बुद्ध की इस शिक्षा से हमें एक गहरी समझ की प्राप्ति होती है कि पर्टिकुलर किसी इवेंट में सिर्फ शांत रहना ज़रूरी है, चुप रहना ज़रूरी है, थोड़ी देर वेट करना ज़रूरी है। आई होप कि इस कहानी से आपको बहुत बड़ी शिक्षा मिली होगी। ऐसी ही शानदार बातों को हम करते रहेंगे आने वाले वीडियोस पे। तब तक के लिए नमस्ते जी।